छोटी उम्र में ही राजू ने अपनी माँ को खो दिया। उसके बाद सौतेली माँ के पास ही वो पला बड़ा हुआ, पर बदकिस्मती से उसे माँ का प्यार नहीं मिला। पूरा दिन काम करने के बाद वो गहरी नींद में चला गया, और सुबह होते ही उसे उसकी सौतेली माँ की डांट सुननी पड़ी। देखो इस लड़के का कांड, सुबह हो गई है लेकिन अभी भी सो रहा है। ए, तू उठेगा? माँ माँ, मुझे बुखार आ गया है माँ, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। अगर तू सोता रहेगा तो झूठे बर्तन कौन मांजेगा बता? हाँ माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, आज मुझे थोड़ा आराम दे दीजिए माँ। ठूस ठूस कर खाते समय तो नहीं कहता कि मैं नहीं खा सकता? हाँ जा, जाकर बर्तन मांज ले, उसके बाद खाना बनाना है तुझे। माँ मच्छी कड़ी जरा अच्छे से बनाना, आज मच्छी कड़ी खाने का मन हो रहा है। जरूर खाना बेटा, मेरा प्याला बेटा। ए सुन, नदी से मछली पकड़ कर लाना, तेरा भाई आज मछली खाना चाहता है। माँ आज तो एक भी मछली पकड़ नहीं पाया, अब मैं क्या करूंगा? माँ फिर से चिल्लाएगी मुझ पर, मैं क्या करूंगा माँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। अरे मेरा लॉकेट, अरे वो मेरे माँ की आखिरी निशानी है, मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दो। ये क्या, वो मछली कहाँ चली गई? जाके देखता हूँ। मछली जरूर उस सुरंग के अंदर घुस चुकी है, मैं जाता हूँ उसको पकड़ लेता हूँ। ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई माया नगरी लग रही है, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये आवाज तो सामने से ही आ रही है, जाके देखता हूँ, पता करता हूँ कि सामने कौन चिल्ला रहा है। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। ये तो हाथी के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया है और वो दर्द से छटपटा रहा है। मेरे बच्चे को बचाओ, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। देखता हूँ। हो गया हो गया, पाँव से कांटा आसानी से निकल गया है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। बताओ मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ एक मछली की खोज में आया हूँ, वो मेरे माँ की आखिरी निशानी एक लॉकेट मेरे गले से छीन कर लेके गई है। हाँ समझा समझा, तुम ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, बस इसी रास्ते से चलते जाओ, वहाँ तुम्हें एक तालाब दिखेगा, उसी तालाब में तुम्हें वो मछली मिलेगी। धन्यवाद भाई धन्यवाद। अरे ये तो वही तालाब है, लेकिन पानी तो पूरा सूख चुका है। अच्छा तुम यहाँ हो, मेरे माँ की आखिरी निशानी वो लॉकेट मुझे वापस कर दो। तुम मेरे दोस्त लोगों को हर रोज मार कर खाते हो, मैं तुम्हारा लॉकेट बिल्कुल वापस नहीं करूँगी। मैं अपनी मर्जी से मछली नहीं पकड़ता हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है मछली पकड़ना, मुझे मछली पकड़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा लॉकेट वापस कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे एक मदद करनी होगी। वो जो सामने गुफा दिख रहा है ना, उस गुफा के अंदर एक राक्षस रहता है।
वो जादू शक्ति से इस तालाब का सारा पानी सुखा देता है। कुछ दिन बाद ये पूरा पानी सूख जाएगा और हम सब मर जाएंगे। अरे ये क्या, तुम्हें कुछ भी करके उस राक्षस को संभालना ही होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिनों के बाद इस तालाब का पूरा पानी सुखा दूंगा, उसके बाद मुझे मछलियाँ पकड़कर नहीं खानी होंगी, उसके बाद सारी मछलियाँ एक साथ ही मिल जाएंगी। अच्छा, तो ये वही राक्षस है। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें भी पिंजरे में बंद कर देगा। चले जाओ, मैं बहुत साल से इसी पिंजरे में बंदी हूँ। ये लो, मैं अभी तुम्हारा पिंजरा खोल देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लगता है, बाहर निकलने के बाद ज्यादा खतरा हुआ तो। कौन है वहाँ? मैं राजू। आप शैतान हैं। आपने जादू से पूरा तालाब सुखा दिया जिसके कारण सारी मछली मर रही है। आपको ये बंद करना होगा। अब तो मुझे सिखाएगा, मैंने ही तालाब को सुखा दिया, मुझे सारी मछलियाँ चाहिए। नहीं, ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको सजा देगा। उससे पहले मैं तुझे सजा दूंगा, तुझे ही मछली बना देता हूँ। अब तू यहाँ पर मछली बन के रह, मैं बाजार जाकर मसाले वगैरह ले आता हूँ, उसके बाद मैं तुझे अच्छी तरह पका के खाऊंगा। बचाओ बचाओ तोता, मैंने तुम्हारा पिंजरा खोल दिया है, तुम मुझे बचाओ बचाओ। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें जरूर इंसान में बदल दूंगी। एक जादुई रासायनिक तरल पदार्थ है, ये तुम्हारे शरीर में छिड़कूंगी ना तो तुम फिर पहले जैसे हो जाओगे। धन्यवाद तोता, हम लोगों को जैसे भी हो इस राक्षस को सजा देनी ही होगी। बिल्कुल। सुनो, उस राक्षस ने अपनी जादुई छड़ी यहीं रख कर गया है, उसके आते ही तुम ये छड़ी उसके शरीर के ऊपर रखना, तभी उसको उचित सजा मिलेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी लाठी को हाथ लगाया और इंसान बन गया, आज तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे बचाओ बचाओ, मुझे पहले जैसा बना दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर सजा है, तुम अपने घमंड में चूर हो चुके थे, तुमने वो मछलियों के रहने वाले पूरे तालाब को सुखा दिया था, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। अभी तो सिर्फ चूहा बनाया है, और अगर ज्यादा बोलोगे ना तो ये तुम्हें मार ही डालेगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे भूल हो गई, मैं तालाब का पूरा पानी लौटा दूंगा, मैं पूरा पानी लौटा दूंगा, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा मैं। बचाओ बचाओ। उसके बाद वो बुरा राक्षस तालाब का सारा पानी लौटा देता है, तालाब की सारी मछलियाँ फिर से एक बार खेलने लगती है। धन्यवाद राजू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हम सब मछलियों को राक्षस के चंगुल से बचाया है, हाथी के बच्चे के पैर से कांटा निकाल लिया, तोते को भी तुमने पिंजरे से आजाद कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो राजू, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तुम्हें ये सब बात कैसे पता चली? मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी, ये लो 100 मोहर मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ, अब तुम बाजार से मछली खरीद सकते हो, अब तुम्हें नदी से मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। 100 स्वर्ण मुद्राएं, इससे तो मेरा पूरा जीवन चल सकता है। तुम इसके योग्य हो, कारण तुम्हारा जो दिल है ना, इस सोने की मोहर से भी कीमती है। ये लो तुम्हारी मम्मी की यादगार, तुम्हारी लॉकेट।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, बहुत दुख देती है, मुझसे बहुत काम कराती है, लेकिन मैं चुपचाप सहते जाता हूँ। मुझे इतना प्यार करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जाओ, तुम इस रास्ते से सीधे चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा घर का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा। बदतमीज लड़का, कहाँ था इतनी देर तक? ये देखिए माँ, मैं कितने सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के मोहर, ये तुझे कहाँ मिला? मैं भी जाऊंगी, मुझे भी सोने के मोहर चाहिए। चल चल चल। हे मत्स्य देवी, मुझे भी सोने के मोहर चाहिए, मुझे भी सोने के मोहर दीजिए। क्या तुम राजू की माँ हो? हाँ, मैं ही राजू की माँ हूँ। अरे अरे, ये क्या, हम खरगोश कैसे बन गए? हाय 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 हाय, हमें पहले जैसे बना दो। ये तुम दोनों की सजा है। उस बेचारे राजू से तुम दोनों पूरे दिन काम करवाते हो, उसको बहुत कष्ट देते हो तुम लोग, इसीलिए तुम लोगों को मैंने खरगोश बना दिया। और गलती नहीं होगी, मैं सारा काम करूंगी, मैं दोनों बेटों को अपना मानूंगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को फिर से पहले वाले रूप में ले आती हूँ। और याद रखना, इसके बाद से सब मिलकर काम करना, ठीक है? ठीक है। आ राजू, मेरे पास आ, आ जा बेटा। माँ, माँ, मेरी माँ। उसके बाद राजू, राजू की सौतेली माँ और भाई, ये तीनों जन एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। आलसी माँ घर का सारा काम करने लगी और सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।